Hello students, this is your Tanmay sir, and uh, today I am back with another topic from the subject measurement. And the name of the topic that we will be starting today is Routh stability criterion. What is the name? The name is Routh stability criterion so actually what is routh stability criterion in measurement we have done systems we have done open loop system we have done closed loop system then we have done block reduction methods and in every part we have seen that it is very important for a system to be stable now what does stable means स्टेबल मीन्स एस्टम इज स्टेबल इट मीन्स ए सिस्टम हैज़ गुड आउटपुट रेशियो विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इनपुट कब हम एक सिस्टम को स्टेबल कहते हैं जब एक सिस्टम का जो आउटपुट है वो इनपुट के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव हो इनपुट के रेस्पेक्ट वो नेचरल हो वो गुड हो तभी हम इसको कहते हैं स्टेबल सिस्टम क्यों क्योंकि जो सिस्टम रहता है उसका जो आउटपुट रहता है वो इनपुट के रेस्पेक्ट पे स्टेबल रहता है इसलिए हम कहते हैं इसको स्टेबल सिस्टम और जो सिस्टम पे उसका आउटपुट अनस्टेबल है दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट रिलेशनशिप बिटवीन इट्स इनपुट एंड आउटपुट देन द सिस्टम इज कंसिडर्ड एज अनस्टेबल सिस्टम तो मेजरमेंट पे राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन का जो टॉपिक है ये हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है इसको जानने के लिए हम करते हैं राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन ठीक है तो इसको कैसे निकालते हैं देखो इसको निकालने के लिए एक सिंपल से टेक्निक है और इस टेक्निक का नाम है राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन ठीक है और इस पे ये जो सिस्टम है वो एक इक्वेशन पे बेस्ड है किस पे बेस्ड है इक्वेशन पे बेस्ड है कौन सा वाला इक्वेशन उस इक्वेशन को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन सो कभी अगर तुम्हें कोई सवाल पूछे कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है तो तुम क्या कहोगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज नथिंग बट द इक्वेशन हु शोज और एक्सप्रेसेस the characteristics of any system which helps to say whether the system is stable or whether the system is unstable got my point okay so in the first line what we have written here it is this criterion is based on arranging the coefficients of characteristics equation into an array called route array okay. यानी कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स का जो इक्वेशन होगा इसका जो कोफिशियंट होगा उनको हम एक एरे के आकार में लिख के इसका सोल्यूशन करते हैं अभी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कौन सा है ए वाला है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दिस क्यू एस हेयर फॉर आवर केस दिस क्यू एस इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ओके एंड दिस इज ए नॉट एस टू दावर एन प्लस ए वन एस टू दावर एन माइनस वन प्लस ए टू एस टू दावर एन माइनस टू लाइक like एस करते करते ये ऐसे ही चलता जाएगा लास्ट में एन पे जाके खत्म होगा और इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा ठीक है यह है उसका कैटरिस्टिक इक्वेशन देखो ये कैसे आया ए ज़ीरो ए वन ए टू ए थ्री ऐसे गया है मान लो अभी इधर में ए का वैल्यू वन है तो यह होगा टू ये थ्री ये फोर ऐसे करके एन नंबर तक ये जाएगा सिस्टम का जो भी ऑर्डर होगा ठीक है उस तरह से ये जाएगा मान लो तुम्हारे केस पे यहाँ पे ए ज़ीरो का वैल्यू है सिक्स सिक्स तो ज़ीरो से दिस वॉज ए ज़ीरो दिस इज ए वन सो कितना इनक्रीज़ हुआ एक के वैल्यू इनक्रीज़ हुआ तो यह अगर अगर पाँच है तो पिछला वाला क्या होगा छः उसके बाद सात ऐसे करके करके जा रहा है ठीक है और इसका वैल्यू तो डिफरेंट भी होता है तो ए ज़ीरो ए वन ए टू ए थ्री ऐसा तुमने नाम दे दिया क्यों यह है कोअिशियट ठीक है और ये वाला क्या है यह है एस सिस्टम रेस्पॉन्स और सो so एन का मतलब है ऑर्डर ऑफ द सिस्टम मान लो एन का वैल्यू फोर है तो सिस्टम का जो ऑर्डर है वो होगा फोर्थ ऑर्डर सिस्टम एन का वैल्यू अगर टू है तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ठीक है तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन तुम्हें ऐसा दिया जा सकता है ठीक है तो इसको कैसे निकालोगे तुम देखो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को तुम कैसे निकालोगे देखो यहां पे जो वैल्यू है यहां पे जो वैल्यू है वो है ए जीरो एस टू दावर एन ठीक है मैं एक बार फोकस कर देता हूं एक मिनट ठीक है ए जीरो एस टू दावर एन है यहां पे वैल्यू ठीक है मान लो यहां पे है फाइव एस टू दावर फोर क्या है फाइव एस टू दावर फोर प्लस सेवन एस टू दावर क्या हो जाएगा इधर पे फोर है यानी कि एन है फोर्थ ऑर्डर का सिस्टम है ठीक है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन माइनस वन यानी कि फोर माइनस वन दैट इज थ्री उसके बाद उसके बाद मान लो टू है ए ज़ीरो ए वन ए टू का वैल्यू कुछ भी हो सकता है कोफिशेंट कुछ भी हो सकता है मान लो टू है लेकिन एस का वैल्यू क्या होगा एन माइनस टू तो एन का वैल्यू तुमने क्या लिया था फोर सो फोर माइनस टू दैट इज़ स्क्वायर दैट इज टू ठीक है तो इसी तरह से ये सिस्टम ऐसे कंटिन्यू होगा उसके बाद क्या हो जाएगा देखो उसके बाद हो जाएगा मान लो कोई कोफिशेंट uh, है थ्री ठीक है तो एस का वैल्यू क्या है देखो इधर में एन माइनस टू उसके बाद क्या होगा एन माइनस थ्री तो एन का वैल्यू कितना था फोर सो फोर माइनस थ्री क्या हो जाएगा वन दैट इज एस टू द पावर वन ठीक उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस देखो हर एक से एक घट के आए फोर थ्री टू वन उसके बाद क्या आ जाएगा ज़ीरो मान लो कोई भी एक फिगर है कोफ़िशेंट है और उसका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा कैसे ज़ीरो हुआ क्योंकि एक घटने के बाद हो रहा है एक एक कम होने के बाद आ रहा है देखो एस का पावर फोर था उसके बाद थ्री उसके बाद टू उसके बाद वन तो उसके बाद क्या आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा ठीक है ये भी एक टाइप का कैरेटरिस्टिक इक्वेशन है जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इस तरह का जो वैल्यू दिया जाएगा उस वाले कैरेटरिस्टिक्स इक्वेशन हम करेंगे फिलहाल मैं यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बन रहा है वो फॉर्मूला कैसे एस्टेब्लिश हो रहा है ये दिखा रहा हूँ तो हम इस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को ही कंसिडर कर रहे हैं ठीक है तो देखो इसको अभी हमने क्या क्या, -क्या क्लियर हुआ राउत स्टेबिलिटी क्राइटेरियन क्या है क्यू करते हैं कैरेटरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनता है और अभी हम करेंगे कैरेक्टिक्स इक्वेशन से हम राउत क्राइटेरिया कैसे करें देखो ये जो न्यूमेरिकल है वो ये कोफिशियंट का फंडा है देखो यहाँ पे एस एन के बगल में कोफिशियन कौन है ए जीरो उसके बाद एस का कोविशियन कौन है ए वन ईज वाले एस का कोविशन कौन है ए टू ईज वाले एस का कोविशन कौन है ए थ्री ठीक है तो अभी जैसे हम लिखेंगे कॉलम वाइज हम लिखेंगे देखो पहला शुरू करेंगे यहाँ से एज वाले एन का कोफिशियंट कौन है ए जीरो तो कौन है कोफिशियंट ए जीरो तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे ए जीरो ठीक उसके बाद कौन है ए वन है राइट right? तो ए वन को हम नीचे लिखेंगे ठीक है इसके नीचे ठीक लिखेंगे हम ठीक है और ए वाला हिस्सा कहाँ से आया ए वाला जो कॉलम का जो हिस्सा है ये कहाँ से आया देखो यहाँ पे एस का मैक्सिमम वैल्यू क्या है एन है तो मैंने यहां कर दिया एस का मैक्सिमम वैल्यू एन है ठीक उसके बाद क्या हो रहा है एस का वैल्यू एक एक करके घटता जा रहा है तो एस टू दी पावर टू एस टू दी पावर जीरो तक जाएगा क्यों जीरो तक जाएगा क्योंकि एक एग्जाम्पल में हमने देखा था फोर्थ ऑर्डर का सिस्टम है तो इस वाला एग्जाम्पल हमने देखा था कि देखो एस फोर एस थ्री एस स्क्वायर एस वन एस एस जीरो वहां तक गया है ठीक है तो वैसे ही जो कोफिशियंट रहे कोफिशियंट uh, के बगल में जो सिस्टम का जो रेस्पॉन्स रहेगा ऑर्डर रहेगा उसको हम इस कॉलम पे लिखेंगे दैट इज एस एन एस एन माइनस वन एस एन माइनस टू एस एन माइनस थ्री ऐसे करके करके एस एस टू द पावर जीरो तक जाएगा अगर मैं फोर्थ ऑर्डर का सिस्टम कंसिडर करूँ तो ये कितना तक जाएगा देखो फोर्थ ये इस वाले इक्वेशन का मैं अगर कंसिडर करूँ तो ये कॉलम कैसा बन जाएगा ये बन जाएगा एस फोर देन एस थ्री एस स्क्वायर एस वन एस जीरो ऐसा बन जाएगा ठीक है कौन सा वाला के लिए इस वाले के लिए इस वाले के लिए ऐसा बन जाएगा क्यों इस वाले के लिए। और इस वाले वाली के लिए जो फॉर्मूला है कैसे आया फॉर्मूला ऐसा आया फॉर्मूला ठीक है <coughs> देखो ए जीरो सो इधर पे लिखा था ए जीरो पहला वाला उसके बाद कौन है ए वन है तो ये नीचे लिखेंगे ए वन वाले लाइन पे उसके बाद कौन है ए टू तो ए टू को देखो हमने ऊपर में लिख डाला ए टू ठीक उसके बाद एक मिस जाएगा एक मिसिंग होगा तो ए थ्री मिसिंग होगा तो इसके बाद क्या आएगा ए फोर आएगा तो ए फोर किधर पे जाएगा इधर पे जाएगा या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो देखो इसका और एक पहले तो ए जीरो ए वन ऐसे ऊपर नीचे करके लिख सकते हो ए टू ए थ्री ए टू ए थ्री ए फोर उसके बाद ए फाइव सो ए फोर ए फाइव ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हो एक एक छोड़ के जैसे ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन ठीक है ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एक छोड़ दो ए जीरो कौन सा छोड़ दिया ए वन छोड़ दिया उसके बाद कौन आया ए टू आएगा उसके बाद कौन सा छोड़ोगे ए थ्री छोड़ोगे उसके बाद क्या आएगा ए फोर आएगा तो ए जीरो ए टू ए थ्री छोड़ा तो ए फोर तीनों को एक साथ ए जीरो ए टू ए फोर और जिन लोगों को छोड़ दिया तुमने तीन को छोड़ा देखो ए वन छोड़ा ए थ्री छोड़ा सो ए वन ए थ्री और कौन छोड़ा ए फाइव छोड़ा सो ए फाइव ऐसे भी लिख सकते हो और अगर इस वाली इक्वेशन का मैं लिखूँ तो कैसे आएगा देखो पहले कौन सा है ए वाला है इसको छोड़ दो इसके बाद ए वाला है इसको छोड़ दो उसके बाद कौन आया ए वाला आया ठीक है तो कौन है फाइव टू टू सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फाइव टू टू ठीक है और अभी किसका लिया था ए वाला तो सेवन ए छोड़ दो कौन आएगा ए वाला आएगा थ्री आएगा अभी इसका ले लिया उसके बाद कुछ नहीं है मतलब ज़ीरो है ठीक है ना तो क्या आ जाएगा सेवन थ्री ज़ीरो सेवन थ्री ज़ीरो अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करो एक छोड़ के भी लिख सकते हो या फिर ऊपर नीचे जैसे पांच सात पांच सात दो, तीन, दो, तीन, दो, दो कुछ नहीं है तो शून्य ऐसे भी पुट कर सकते हो ठीक है ठीक है अभी देखो ये हमारा कोफिशियंट से हमने इन दोनों लाइन को लिख डाला है यानी कि मैक्सिमम से जो पहले वाला जो ए वाला जो कॉलम है ए वाला जो कॉलम है इसका जो लाइन है इसका जो लाइन है वो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेश से इक्वेशन से हमेशा लिख सकते हैं जैसा हलाल फिला के हमने यहाँ से भी लिखा है इस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से हमने इसको लिखा है ठीक है तो तुम ऐसे लिख सकते हो उसके बाद क्या करोगे देखो उसके बाद ए वाला कॉम्पोनेंट आएगा ए वाला कॉम्पोनेंट आएगा कैसे आएगा देखो कैसे आता है मान लो यहाँ का यह का जो वैल्यू है यह है हमारा बी वन ठीक है ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए वाला तो तुमने तो इक्वेशन से लिख डाला आफ्टर हैविंग द इक्वेशन यू हैव रिटन दिस टू लाइन्स बट हाउ टू डू द नेक्स्ट लाइन्स तो इसलिए कंसिडर करो यहां पे जो वैल्यू आएगा वो है बी वन एलिमेंट आएगा वो है बी वन इधर पे जो एलिमेंट आएगा वो आएगा बी टू ठीक है तो बी वन कैसे निकालेंगे B2 कैसे निकालेंगे A0 A1 तो क्वेश्चन से निकाल गया लेकिन B1 B2 कैसे निकालेंगे ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है थोड़ा धैर्य के साथ देखना <coughs> B1 B2 कैसे आएगा देखो B1 लाने का फार्मूला है इधर पे क्या है फार्मूला देखो मैं थोड़ा जूम करके दे रहा हूं देखो B1 लाने का फार्मूला क्या है ए वन इंटू ए टू माइनस ए जीरो इंटू ए थ्री डिवाइडेड बाई ए वन बहुत टफ लग रहा है ना अभी देखो बहुत ईजी हो जाएगा क्या बोल रहा था ए वन इंटू एन इन टू ए टू सो ए वन इंटू ए टू इन दोनों का इंटू हो गया उसके बाद ये क्या हमने फर्स्ट स्टेप नंबर वन स्टेप राइट उसके बाद क्या कहा माइनस ए जीरो इंटू ए थ्री सो ए जीरो कहा ए थ्री ये यानी कि अभी ये वाला ये कौन सा किया स्टेप टू डिवाइडेड बाई a1. डिवाइडेड बाई क्या वन a1. A1 कहा अभी देखो कुछ समझ में आ आ रहा रहा है है? या नहीं आ रहा है? अभी शायद समझ में आ जाएगा कैसे किया देखो पहले ए वा, वाला मल्टीप्लीकेशन देखो नीचे से देखो ए वाला तुम ए वाला निकाल रहे हो बी वन निकाल रहे हो तो बी वन के ऊपर में जो आएगा उसका मल्टीप्लीकेशन करो ए वन सो ए वन इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो a1 a2 राइट माइनस अभी ये वाला कैलकुलेशन a0 a3 देखो a1 a3 सॉरी a1 a2 a0 a3 डिवाइडेड बाय a वाला कंपोनेंट निकल रहे तो इसके ऊपर में कौन था a1 तो डिवाइडेड बाय a1 मैंने लिख डाला a1 ठीक है अभी b2 b2 कैसे करेंगे देखो b2 करने के लिए अभी इसका तो तुमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया मान लो अभी मन ही मन ये वाला हिस्सा यहाँ पे नहीं है तो मैं इसको रिमूव करके दे रहा हूं मान लो ये वाला हिस्सा अभी अभी नहीं है तो तुम क्या निकालोगे B2 निकालोगे कैसे निकालोगे अभी फिर से देखो पहले इससे इसका मल्टीप्लीकेशन इससे इसका हुआ था अभी देखो ए वन इंटू ए फोर क्योंकि ए वन के क्रॉस करोगे तो कौन आएगा ए फोर ठीक माइनस ए जीरो इंटू ए फाइव क्योंकि ए जीरो का क्रॉस में कौन है ए फाइव है तो देखो ए वन इंटू ए फोर ए वन इंटू ए फोर माइनस ए ज़ीरो इंटू ए फाइव माइनस ए जीरो इंटू ए फाइव डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा ए वाला हिस्सा आ जाएगा ए वन आ जाएगा क्यों क्योंकि जब भी हम करेंगे जिस साइड से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसका नीचे का हिस्सा लेते हैं नीचे का हिस्सा लेते हैं देखो ए वन ए फोर लिया ए ज़ीरो ए फाइव लिया तो कहाँ से शुरू हुआ था ए वन से शुरू हुआ था तो नीचे क्या जाएगा? A1 आ जाएगा ए वन आ जाएगा ठीक है उसके बाद कुछ है कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए दोबारा से कुछ है कोई नहीं है यानी कि देखो पहले इससे इसका मल्टीप्लीकेशन इससे इसका मल्टीप्लीकेशन उसके बाद इस इससे इसका इससे इसका क्या उसके बाद कुछ कॉम्पोनेंट है है तो करते अभी तक तो, तो नहीं है तो नहीं है मतलब क्या है जीरो है तो कुछ भी नहीं है करने के लिए यानी कि यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे जीरो ना भी पुट करोगे तो भी चलेगा ठीक है छोड़ दो अभी क्या कर सकते हो अभी मान लो नीचे का जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो आएगा C1 तो C1 कैसे निकालोगे वही टेक्निक C1 कैसे निकालोगे वही वाला टेक्निक कैसे देखो C1 के ऊपर में कौन है B1 तो so, क्या बन जाएगा फॉर्मूला फॉर्मूला बन जाएगा B1 वन इंटू ए थ्री माइनस ए वन इंटू बी टू डिवाइडेड बाई बी क्या बन जाएगा फॉर्मूला फॉर्मूला बन जाएगा C1 का क्या फार्मूला बन जाएगा C1 का फॉर्मूला बन जाएगा देखो <coughs> C1 के ऊपर में कौन है B1 वन so, सो क्या हो जाएगा B1 वन इंटू ए थ्री सो बी वन इंटू ए थ्री माइनस ए वन इंटू बी टू ए वन इंटू बी टू डिवाइडेड बाई सी वन के ऊपर में कौन है या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहाँ से शुरू होता बी वन से शुरू हुआ था तो डिवाइडेड बाई बी वन बन गया सी वन का फॉर्मूला राइट right? अभी तुम करोगे C2 का फॉर्मूला C2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखो तुम C2 निकाल रहे हो इसका हो गया तो अभी इन दोनों को नेग्लेक्ट करो ठीक है तो क्या बन जाएगा बी वन इन ए फाइव क्योंकि इसका क्रॉस में कौन जा रहा है ए फाइव जा रहा है बी वन अभी तुम C2 निकाल रहे हो तो इस वाले इसको नेग्लेक्ट करो तो B1 का क्रॉस में कौन है A5 सो बी वन इंटू ए फाइव सो सी टू इक्वल्स टू बी वन इंटू ए फाइव माइनस ए वन का क्रॉस में कौन है जीरो ए वन का क्रॉस में कौन है जीरो सो ए वन इंटू जीरो डिवाइडेड बाई कहाँ से शुरू हुआ था क्रॉस यहाँ से सो so, क्या बन जाएगा बी वन ये था फॉर्मूला तो ऐसे करते 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 तुम जब जाओगे ये खत्म होगा एन पे जाके खत्म होगा कैसे हमने कहा N पे जाके खत्म होगा क्योंकि देखो हमारा जो था पे जाके खत्म हुआ तो इसका नीचे हमेशा याद रखना नीचे A, N ही आएगा ठीक है मेरे यहां पे देखो इस वाले इक्वेशन पे देखो यहाँ पे देखो ये तो एस का वैल्यू एस का कोफिशियंट है एस के साथ कौन है टू है यानी कि ए वाला जो हिस्सा है वो लास्ट पे ए वाला है और ए एन का वैल्यू क्या है इस पे ए एन का वैल्यू जीरो है यहाँ पे ए एन का वैल्यू कितना था लास्ट वाला जो हिस्सा है वो हो एन ए एन होगा जिसपे एस का कोई कॉम्पोनेंट नहीं होगा सिर्फ एक कोफिशेंट सिंगल होगा ठीक है वैसे एस का कोई भी टर्म इसके साथ मल्टीप्लीकेशन पे नहीं होगा देखो इसके साथ क्या एस का कोई टर्म मल्टीप्लीकेशन पे है नहीं है तो यानी कि इस इक्वेशन पे हमारा ए एन का वैल्यू क्या है जीरो यह था फॉर्मूला और यह है एक इक्वेशन तो देखो इसका करके देखते हैं क्या आता है ये तो कैसे बैठाया था कोफिशन कौन था पाँच एक छोड़ो दो एक छोड़ो दो सो पाँच दो दो ठीक है और उसके साथ छ सात एक छोड़ो तीन कोई नहीं है जीरो सो सात तीन जीरो तो इसका करके देखो कैसे आएगा यह का कंपोनेंट कौन आएगा कैसे निकालोगे यह का कंपोनेंट देखो पहले इसका मल्टीप्लिकेशन सेवन इंटू टू सेवन इंटू टू करोगे फोर्टीन ठीक है ना सेवन इंटू टू फोर्टीन आएगा वन फोर ठीक है और उसके बाद फाइव इंटू थ्री पंद्रह सो माइनस वन फाइव डिवाइडेड बाई नीचे कौन आएगा सेवन आएगा क्यों यहाँ से शुरू किया था सो डिवाइडेड बाई सेवन इसका करो तो कितना आएगा फोर्टीन से माइनस वन डिवाइडेड बाई सेवन यानी कि माइनस वन बाई सेवन आ जाएगा ठीक है इतना आ गया हुँ? साधुनी चौदह चौदह माइनस तीन पच्चे पंद्रह सो फोर्टीन माइनस फिफ्टीन यानी कि माइनस वन आ गया उसके बाद क्या इस, इसको नेगलेक्ट करोगे इस वाले लाइन को नेगलेक्ट करोगे क्योंकि इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया है तो इसको नेगलेट करो। तो इसको नेगलेक्ट करोगे तो क्या आएगा साधुनी चौदह चौदह माइनस फाइव इंटू ज़ीरो दैट इज़ फाइव इंटू जीरो मीन्स ज़ीरो डिवाइडेड बाई सेवन सेवन करोगे तो क्या जाएगा फोर्टीन बाई सेवन यानी कि टू यानी कि यहाँ पे कौन आ जाएगा टू यहाँ पे कुछ नहीं है ज़ीरो लिख डालो उसके बाद देखो फिर से ये वाला हिस्सा सो थ्री इंटू माइनस वन बाई सेवन माइनस सेवन इंटू टू दैट इज़ फोर्टीन डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ वन बाई सेवन आ जाएगा करके देखो कितना आता है पुट करो चलो मैं करता हूँ क्या आता था, था पहले क्या है क्या आएगा माइनस ऑफ इसका मल्टीप्लीकेशन ऐसे मल्टीप्लीकेशन होगा पहले सो so, मल्टीप्लीकेशन करो सो माइनस वन बाई सेवन इंटू थ्री इससे माइनस करोगे क्या माइनस करोगे इस वाले हिस्से को माइनस करोगे सेवन इंटू टू दैट इज फोर्टीन जो आएगा रिजल्ट रिजल्ट को क्या करोगे माइनस वन बाई सेवन से डिवाइड करोगे माइनस माइनस ऑफ वन बाय सेवन से डिवाइड करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा वन जीरो वन ठीक है वन ज़ीरो वन आ रहा है कैलकुलेटर में मैंने किया था अभी वन ज़ीरो वन उसके बाद इस वाले हिस्से को नेगलेक्ट करो इस वाले हिस्से को नेगलेक्ट करोगे तो देखो क्या आ रहा है क्योंकि इसका तो मल्टीप्लिकेशन कर लिया तुमने तो अभी इसका नेगलेक्ट करो सभी so, देखो इसके डायगोनल पे कौन है जीरो so, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो इससे करोगे जीरो तो so, डिवाइड करोगे जीरो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा जीरो आएगा ठीक है उसके बाद देखो उसके बाद क्या कर सकते हो उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका डिवाइडेड बाई इसका तो करके देखो तो क्या आएगा पहले तो so, पहले पहले क्या बन जाएगा पहले आएगा हंड्रेड वन इंटू टू हंड्रेड वन इंटू टू माइनस माइनस क्या करोगे इसका करोगे तो इसका करोगे तो क्या आ जाएगा जीरो जीरो डिवाइडेड बाई डिवाइड बाई क्या करोगे डिवाइडेड बाई वन ज़ीरो वन वन जीरो वन पहले क्या करेंगे हम पहले इसका करेंगे तो हंड्रेड वन का दो से मल्टीप्लाई करो सो टू हंड्रेड टू टू हंड्रेड टू से करोगे हंड्रेड टू आ जाएगा ठीक है ना तो अभी क्या कर सकते हैं सो हंड्रेड वन से इसका टू का मल्टीप्लाई करो सो so कितना आएगा टू हंड्रेड टू ठीक है ना हंड्रेड वन इंटू टू दैट इज टू जीरो टू टू हंड्रेड टू आएगा ठीक है ना अभी टू हंड्रेड टू माइनस जीरो माइनस वन बाई सेवन को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो डिवाइडेड बाई वन जीरो वन तो क्या बन जाएगा टू so, क्या आया टू आया तो हमें तो टू ही चाहिए था क्योंकि एन का वैल्यू क्या है एन का वैल्यू टू है देखो यहाँ पे तुम ज़ीरो लिखो या फिर ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जब हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया तो ये वाला ऑब्जर्व किया यहाँ पे अगर जीरो लिखते हो या नहीं भी लिखते हो कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है क्यों नहीं फ़र्क पड़ता देखो यहाँ पे ए के साथ एक एक ये जो कोफिशेंट है इसके साथ कौन मल्टीप्लाई है एस मल्टीप्लाई है एस मतलब क्या है एस टू दावर वन तो देखो एस टू दि पावर वन के साथ कौन है थ्री है ठीक और ए एन का वैल्यू क्या होता है ए एन का वैल्यू होता है जिसके साथ एस का कोई भी टर्म मल्टीप्लाई ना हो कैसे मल्टीप्लाई ना हो देखो मान लो यहाँ पे ए एन है देखो मैं इसको थो, थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ ए एन है तो ए एन के साथ अगर मैं एस टू दावर ज़ीरो मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा ए एन ही आएगा क्यों क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर अगर ज़ीरो हो तो उसका वैल्यू वन रहता है ये हमने हमेशा देखा है किसी भी चीज़ का पावर जीरो बन जाएगा यानी कि उसका वैल्यू वन है तो यानी कि यहाँ पर ए एन है तो इसके साथ मन ही मन मैं एस टू दी पावर जीरो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो इसके साथ अगर मैं एस टू दी पावर जीरो मल्टीप्लाई कर दूँ तो तो भी ये ए एन बना रहेगा अगर मैं इसके साथ एस टू दी पावर ज़ीरो मल्टीप्लाई ना भी करूँ तब भी ये ए एन बना रहेगा यानी कि यहाँ पे एस टू दि पावर ज़ीरो के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन है दो का मल्टीप्लीकेशन है और हमने फॉर्मूला में क्या सीखा था लास्ट में किसका वैल्यू आएगा ए एन का वैल्यू आएगा और हमारा कैरेक्टरिस्टिक है इसका जो हमने सोल्यूशन किया है इसमें क्या आया है हमारा ए एन का वैल्यू टू आया है क्योंकि लास्ट पर जो रहता है वही ए एन है ठीक है तो हमारा लास्ट में क्या आया था दो आया था तो ए एन का वैल्यू क्या है सो दिस थिंग इज़ नथिंग बट आवर ए एन कैसे समझा क्योंकि ए हमेशा सिंगल रहता है ए एन हमेशा सिंगल रहता है या फिर एस टू दी पावर जीरो के साथ उसका मल्टीप्लीकेशन होता है एस टू दी पावर जीरो के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन होता है तो एस टू दी पावर जीरो के साथ किसका मल्टीप्लीकेशन था दो का मल्टीप्लीकेशन था तो जब हमने इसका न्यूमेरिकल किया तो क्या मिला हमें ए टू पावर एन का वैल्यू दो मिला यानी कि हमारा जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है ठीक है तो देखो ये जो सिस्टम है हमने जो किया है ये वाला जो कैटेस्टिक इक्वेशन का जो हमने एग्जाम्पल लिया है और ये जो फॉर्मूला है इससे हमने एक बात बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है क्या सीखा है कि राउट क्राइटेरियन को कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं ठीक है ठीके? अभी तुम एक चीज़ मेरे को बताओ हम राउट क्यों कर रहे थे एक सिस्टम स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है इसको निकालने के लिए तो हमने किया क्या हमने निकाला यहाँ से सिस्टम स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है देखो सिस्टम स्टेबल या फिर अनस्टेबल तुम राउट को देख के बता सकते हो ठीक है ये जो राउत है इस राउत एरे को तुम देख के बता सकते हो सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है लेकिन कैसे बताओगे इसको बताने के लिए एक चीज गौर से याद रखना ये जो फर्स्ट कॉलम है ये जो फर्स्ट कॉलम है हर एक एलिमेंट अगर पॉजिटिव हो तभी सिस्टम स्टेबल होगा क्या बताया ये जो फर्स्ट कॉलम है फाइव सेवन माइनस वन बाई सेवन जीरो जो फर्स्ट कॉलम है हर एक एलिमेंट का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तभी सिस्टम स्टेबल होगा अगर एक भी एलिमेंट नेगेटिव आ जाए तो सिस्टम अनस्टेबल होगा देखो फाइव के सामने कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव ए वाला नेगेटिव ए वाला पॉजिटिव ए वाला पॉजिटिव हर एक एलिमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन ए वाला एलिमेंट माइनस वन बाई सेवन जो है ए वाला एलिमेंट नेगेटिव है कैसे समझो सामने माइनस है तो हमारा जो ये सिस्टम है ये जो कैटरिस्टिक इक्वेशन हमने यहाँ पे किया था सिस्टम स्टेबल और अनस्टेबल निकालने के लिए तो हम क्या पहुँचे कि हमारा जो सिस्टम है सिस्टम इज़ अनस्टेबल हमारा जो सिस्टम है एक कैसा है सिस्टम है ये अनस्टेबल सिस्टम है ठीक है ये बात हम समझ में आ गए तो राउत जो हमने किया है ये ऑपरेशन सक्सेसफुल है हमारा जो सिस्टम है वो अनस्टेबल है ठीक है लेकिन एग्जाम पे एक बात पूछता है क्या पूछता है वो बात है कि कितने नंबर ऑफ रूट्स है कितने नंबर ऑफ रूट्स है जिसके कारण ये सिस्टम क्या हुआ है ए सिस्टम अनस्टेबल हुआ है ठीक है और ऐसे भी पूछते हैं हाउ मेनी रूट्स आर देयर इन द एस प्लेन ओके और ऐसा भी पूछता है हाउ मेनी रूट्स आर देयर इन द राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन अगर कोई भी एक एस प्लेन हो मान लो एक एस प्लेन है एस वाला एक प्लेन है इसके राइट हैंड साइड पे अगर रूट होगा इधर पे अगर रूट्स होगा तो ये सिस्टम अनस्टेबल होगा ठीक है तो और हमारा जो सिस्टम स्टेबल है या फिर अनस्टेबल अनस्टेबल है अगर अनस्टेबल है तो हमारा सिस्टम का भी जो एस प्लेन है उसका राइट हैंड साइड पे कुछ ना कुछ रूट्स होंगे अभी क्वेश्चन पे पूछते हैं कितना रूट्स है तो इसका ट्रिक है साइन चेंज कितना बार हुआ देखो यहाँ पे ये ये सेवन जो है क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव उसके बाद क्या हुआ नेगेटिव कितना साइन चेंज हुआ एक बार साइन चेंज हुआ उसके बाद देखो ये इधर पे नेगेटिव लेकिन इधर में पॉजिटिव तो कितना बार फिर से साइन चेंज हुआ दोबारा हुआ यानी कि प्लस टू तो माइनस माइनस टू तो प्लस कितना रूट साइन चेंज हुआ दो बार साइन चेंज हुआ तो कितना रूट्स होगा सो नंबर ऑफ रूट्स इक्वल्स टू टू कैसे टू एज टू साइन चेंजेस आर देयर टू साइन चेंजेस आर देयर ठीक है ना पहले प्लस उसके बाद माइनस माइनस उसके बाद प्लस तो कितना बार साइन चेंज हुआ दो बार साइन चेंज हुआ तो कितना रूट होगा दो रूट होगा ये जो दो रूट है ये जो दोनों रूट है इन दोनों रूट के लिए हमारा सिस्टम अनस्टेबल हुआ है और इन दोनों रूट का लोकेशन क्या है दोनों रूट का लोकेशन है एस प्लेन का राइट हैंड साइड जिसके कारण हमारा सिस्टम स्टेबल नहीं हुआ है अनस्टेबल हुआ है ठीक है देखो ये वाला न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एग्जाम्पल भी बहुत न्यूमर्कल केल का जो एग्जाम्पल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है राउट क्राइटेरिया बहुत ईजी है ये वाला प्रोसेस बहुत ईजी है थ्योरी में अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा टफ लग सकता है लेकिन ये वाला प्रोसेस बहुत ईजी है और इससे पाँच या छः मार्क्स पे न्यूमेरिकल हमेशा ईच एंड एवरी ईयर आता है तो इसको ज़रूर करना और कोई डाउट लगे तो मुझे बोलना मैं उसको इसके इस न्यूमेरिकल भी बहुत सारे वेरिएशन है टाइप्स है वो आहिस्ता आहिस्ता मैं कराते जाऊँगा ठीक है सो दिस वॉज ये तनमे सर टेक केयर बाय बाय